हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव में परिवहन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। और परिवहन में हम लोग जानते हैं कि जो परिवहन होता है उसके लिए तीन चीज़ें जिम्मेदार होता है, रक्त वाहिनी, हृदय और रक्त। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लड से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप सिर्फ ये वीडियो देख लेते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, और उसमें अगर ब्लड से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बात कर ले उच्च श्रेणी का जीव, तो उच्च श्रेणी के जीवों में जो भी पदार्थ होता है उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर पोषक तत्व या जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए, ठीक है, एक तंत्र विकसित होता है और उसी तंत्र को बोलते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। और इस परिवहन तंत्र में तीन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, सबसे पहला तो जिम्मेदार होगा रक्त, ठीक है, जो सभी पदार्थ को अपने साथ बांधेगा। ठीक है, दूसरा होगा रक्त वाहिनी। ठीक है, रक्त वाहिनी बोलने का मतलब शरीर में पाए जाने वाला पाइप जिससे होकर के ब्लड फ्लो करे। अब भाई, जब ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड पर प्रेशर कौन डालेगा फ्लो होने के लिए? हृदय। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो परिवहन तंत्र का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, तो जीवों में ये तीन यानी रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय मिलकर ही क्या बनाता है? परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछता है कि परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे, विलियम हॉर्वे। इन्होंने ही 1628 ईस्वी में परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। ठीक है, समझ में क्या? अब देखिए, परिसंचरण तंत्र का जो पहला पॉइंट है रक्त, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। हृदय के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि हृदय क्या होता है, क्या फंक्शन है, ठीक है, और इससे संबंधित सारे बिंदु मैं यहाँ पर आई बॉल दे दूँगा, या फिर आप इसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो होता है हमारे शरीर में पाया जाने वाला लाल रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है। ठीक है, जो कहाँ प्रवाहित होता है? रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। याद रखिएगा, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर के 8.4 तक होता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा दिया जाता है ऑप्शन में यही 7.4। तो याद रखोगे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। अच्छा, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, इसका मतलब है कि इसका नेचर कैसा हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। हमें पता है, क्या पता है, कि क्षारीय या अम्लीयता की जांच करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, जिसमें अगर कोई भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो उसको मान लिया जाता है न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन अगर 7 से कम है तो वह हो जाता है एसिडिक यानी अम्लीय, और 7 से अधिक है तो उसे कहा जाता है बेसिक यानी कि क्षारीय। 7 से जितना कम होता जाएगा वो उतना प्रबल होता जाएगा। जैसे मान लो कि 7 के बाद 6 है और यहाँ पर 0 है, तो जिस पदार्थ का पीएच मान 0 है वह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिस पदार्थ का पीएच मान 6 है वह इस 0 वाले से कम अम्लीय होगा। ठीक है, यानी कि ये प्रबल अम्ल हो जाएगा 0 वाला और 6 वाला दुर्बल अम्ल। समझ में आ गया? चलो देखो, 7 से कम हो गया तो एसिडिक और 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय। तो पीएच वैल्यू होता है 7.4, तो यह क्षारीय हो गया। अब अगर पूछ लेगा कि प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है रक्त, तो याद रखिएगा जो रक्त होता है वह दुर्बल क्षार है, क्योंकि यह 7.4 है, ये 7 के काफ़ी नज़दीक है। अगर 14 के आसपास रहता है ना, या 14 के आसपास 13, 11 तक रहता तो हम इसको बोल सकते थे प्रबल क्षार, लेकिन फिलहाल ये क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। आगे देखो, यह अपने बहाव के दौरान सभी उत्तकों को संयोजित करता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछेगा तरल संयोजी उत्तक किसे कहा जाता है? ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। देखो, मैंने टिश्यू से संबंधित सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा रखा है, ठीक है, एमसीक्यू के रूप में, तो आप इसको भी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, या मैं यहाँ पर मैं आई बॉल दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। अब देखो, रक्त की बात कर लें, रक्त का दो प्रमुख भाग होता है, एक होता है तरल भाग और एक होता है ठोस भाग। ठीक है, तो जो तरल भाग होता है वो हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है, और जो ठोस भाग होता है इसी तरल भाग के माध्यम से शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है,
और प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है, जितना भी ब्लड है उसका लगभग 55% हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा का ही होता है। उसके बाद होता है सॉलिड, जो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है, जिसे रक्त कोशिका या कणिका कहते हैं, ठीक है। वह कौन कौन से हैं, तो यह RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 45% संपूर्ण रक्त का होता है। चलो अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, ठीक है, जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत भाग, 55% भाग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल। कितना प्रतिशत, 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन और 3% अकार्बनिक लवण। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा प्लाज्मा में जल की प्रतिशतता कितनी होती है, 90%, और प्रोटीन और अकार्बनिक लवण की प्रतिशतता 10%। समझ में आ गया। चलो अगला है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, हेपेरिन होता है। याद रखना, ये जो हेपेरिन है इसके वजह से हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। हम लोग को पता है कि जो ब्लड होता है वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, इसी पिगमेंट के वजह से, हेपेरिन के वजह से, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। अब देखो, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है तो प्लाज्मा का जो शेष भाग बचता है उसे क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन, और अगर वो अलग हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीरम। अब देखो, ये जो होता है प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन, तो ये आपका फाइब्रिनोजिन जो है, यह ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। समझ रहे हो ना। तो देखो मैंने क्या बताया, शरीर के अंदर अगर रक्त नहीं जमता है तो किसके कारण, हेपेरिन के कारण, लेकिन जैसे ही यह शरीर से बाहर हवा के संपर्क में आता है तो फाइब्रिनोजिन के वजह से ब्लड क्या हो जाता है, थक्का बनना, यानी कि ब्लड का क्लोटिंग स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी लिख भी दिया है, शरीर में हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करना तथा पदार्थों के परिवहन में सहायता करना। तो प्लाज्मा से संबंधित सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं रक्त कणिका। रक्त कणिका जो होता है संपूर्ण रक्त का आयतन के हिसाब से कितना, 45% भाग होता है, ठीक है। और ये जो रक्त कणिका होता है ये प्लाज्मा के द्वारा ही शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट होता है, प्लाज्मा में तैरता रहता है। रक्त कणिका जो होता है 3 प्रकार का होता है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त पट्टिकाणु, ठीक है, यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में सारा पॉइंट्स, ओके। तो देखिए, लाल रक्त कोशिका जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें लोहा धातु पाया जाता है। देखो, लाल रक्त कोशिका का काम क्या है, ऑक्सीजन का वाहक है ना, ऑक्सीजन के वहन कराएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहन कराने का काम करता है। देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करता है। कितनी संख्या को, 4 संख्या को, यानी एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है, हीमोग्लोबिन के रक्त कोशिका कहला। लाल रक्त कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और WBC का ल्यूकोसाइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा होता है, लाल होता है, श्वसन गैस का परिवहन कराता है, सारा एक ही चीज़ है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं, श्वसन गैस बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका में कौन सा धातु, लोहा धातु पाया जाता है। लोहा को, लोहा का जो लैटिन नाम है वो है फेरम, और फेरम से एफ लिया गया है। बात कर लें कि जो लाल रक्त कोशिका होता है इसको शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी कहा जाता है। अब देखो, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, मृत्यु कहाँ, स्प्लीन और प्लीहा में होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को बांधने का क्षमता रखता है, 4 अणु को बांधने की क्षमता रखता है। आप यहाँ पर इस पिक में देख सकते हो, ये आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है। और ये जो रेड ब्लड सेल है, ये जो आपका ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में लिक्विड पार्ट्स आपको देखने को मिल रहा होगा, इस लिक्विड्स को बोलते हैं प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में ये आपका रेड ब्लड सेल क्या होता है, तैरता रहता है। चलो अब हम लोग देखते हैं श्वेत रक्त कणिका का। तो श्वेत रक्त कणिका जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, या इसके जैसा कोई पर्णक नहीं होता, इसीलिए यह क्या होता है, रंगहीन होता है। और श्वेत रक्त कोशिका का जो संख्या होता है वो RBC से कम होता है। जहाँ मान लो RBC की संख्या 600 है, वहाँ पर WBC का मात्र 1 कण ही पाया जाता है,
तो ये भी रेशियो याद रखना, पूछेगा कि शरीर में RBC और WBC का रेशियो क्या है, तो 600:1 है। अगर हम श्वेत रक्त कोशिका के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लीकोसाइट, और RBC का मैंने क्या बताया अभी, एरिथ्रोसाइट। RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट और WBC का ल्यूकोसाइट। देखो ल्यूकोसाइट जो होता है, या आप कह लो कि श्वेत रक्त कणिका जो होता है, ये 5 प्रकार का होता है। उसी में से एक आता है आपका लिम्फोसाइट, जो क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि श्वेत रक्त कोशिका जो होता है, यही प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करता है, ठीक है। चूँकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करता है, शरीर में को बाहरी रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, इसीलिए इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, ठीक है। देखो WBC में हीमोग्लोबिन के जैसा कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। देखो अभी मैंने बताया था ना WBC 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है, और एग्रीनुलोसाइट। सबसे बड़ा WBC कौन सा है, मोनोसाइट है याद रखना, और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा WBC पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। RBC का कितना होता है, RBC का होता है 20 से 120 दिन, ठीक है। और इसका भी निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा में, और RBC का भी अस्थि मज्जा में। बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। चलो मैंने भी बताया RBC का, RBC का क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। RBC का क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, RBC को एरिथ्रोसाइट, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट, WBC को क्या, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। चलो यह अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्त पट्टिकाणु जो होता है उसका काम क्या है, ब्लड को क्लोटिंग करने का काम है, थक्का बनाने का काम है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर में हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बीमारी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, शरीर में जो होता है ब्लड को क्लोटिंग करने की क्षमता खत्म हो जाती है, रक्त को थक्का बनाने की क्षमता कम हो जाती है। और ये जो हीमोफीलिया सबसे पहले किसमें देखा गया था, तो इंग्लैंड की एक महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, उसमें हीमोफीलिया रोग सबसे पहले देखा गया था, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग किसकी कमी से होता है, या तो रक्त पट्टिकाणु कहलेगा या विटामिन के की कमी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब अगर बात कर लें इसका जीवन काल, तो जीवन काल 3 से 5 दिन। चलो RBC का बताओ, RBC का हो जाएगा 20 से 120 दिन, ठीक है। WBC का 2 से 4 दिन, ठीक है, और प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। तो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, रक्त पट्टिकाणु का काम क्या है, रक्त पट्टिकाणु का काम होता है ब्लड को क्लोटिंग करना, और इसके अलावा एक और विटामिन है, विटामिन के, ठीक है, यह भी क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करता है। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपका जो ये रेड रेड दिख रहा है, ये आपका जो रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, लाल रक्त कणिका का। ये जो वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये आपका है श्वेत रक्त कणिका का, और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है स्टार टाइप का, ठीक है, ये वाला, ये आपका है प्लेटलेट्स। तो चाहे रक्त कणिका हो, ये लाल रक्त कणिका या श्वेत रक्त कणिका या प्लेटलेट्स, सारा का सारा कहाँ तैरते रहता है, प्लाज्मा में तैरते रहता है, याद रखिएगा। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें 3 प्रकार का पाया जाता है रक्त कणिका, कौन कौन सा, आप यहाँ पर भी देख लो, ये वाइट ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल, और ये जो आपका होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कौन टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में यही पूछ ले कि कौन सा ऐसा रक्त कण होता है जिसमें कौन टाइप स्ट्रक्चर होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताया सारा आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं।